बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। अपनी आवश्यकता अनुसार ऑप्शन चुन लीजिए। मान लीजिए रो ऊपर चाहिए, जहां आपने क्लिक किया तो इंसर्ट अबव कर दीजिए, और अगर रो नीचे चाहिए तो क्लिक करके इंसर्ट बिलो कर दीजिए। इसी तरह से यदि आपको कॉलम चाहिए, क्लिक कीजिए, इंसर्ट लेफ्ट कर दीजिए, आपके पास लेफ्ट कॉलम अवेलेबल हो जाएगा। और यदि आप क्लिक करके राइट क्लिक इंसर्ट राइट करते हैं तो राइट साइड पे कॉलम अवेलेबल हो जाएगा। और यदि आपको कॉलम या रोज नहीं चाहिए तो सिलेक्ट करके आप डिलीट भी कर सकते हैं। और जैसे मैं रोज सिलेक्ट कर लेता हूँ तो डिलीट पे डिलीट रोज कर देता हूँ। अगर मुझे पूरा टेबल नहीं चाहिए तो मैं डिलीट टेबल भी कर सकता हूँ। अभी मुझे जो कॉलम नहीं चाहिए मैं उनको डिलीट कर लेता हूँ, और जो रोज नहीं चाहिए उन्हें भी मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से नेक्स्ट ग्रुप जो अवेलेबल है वो है मर्ज के रूप में। कुछ भी मर्ज करने से पहले मैं एक रो ले लेता हूँ। मैं टॉप रो पे क्लिक करता हूँ, इंसर्ट अबव एक रो कर लेता हूँ। अब मैं इन तीन सेल्स को मिला के एक सेल्स बना सकता हूँ। उसके लिए मैं तीनों को इकट्ठा कर लेता हूँ और मर्ज सेल पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मर्ज सेल पे क्लिक करता हूँ मेरे पास एक बड़ा सा सेल अवेलेबल हो जाता है। इसी तरह से अगर मुझे एक बड़े सेल के काफी सारे छोटे खाने बनाने हैं या छोटे सेल्स में कन्वर्ट करना है तो स्प्लिट सेल्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ आपसे जानकारी मांगी जाएगी कि कितने कॉलम्स में आप उस सेल को बांटना चाहते हैं। यहाँ नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम आप प्रदान कर सकते हैं। जैसे ही आप ओके करेंगे, देखिए आपके पास फिर से अवेलेबल हो जाएगा तीन सेल्स। अब यदि आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट पे जाके रो हटा दीजिए, डिलीट हो जाएगी रो। इसी तरह से आप सेल साइज भी चेंज कर सकते हैं। सेल पे क्लिक कीजिए, यहाँ से आप हाइट और विड्थ दोनों चेंज कर सकते हैं सेल वाइज। और मान लीजिए आपके पास कॉलम्स और रोज का जो साइज है वो अलग अलग है, तो आप चाहें तो इन सभी कॉलम्स या रोज का साइज बराबर कर सकते हैं। यदि आप टेबल सेलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट रोज पे क्लिक करें तो जितने भी रोज हैं सब समान साइज की हो जाएंगी। इसी तरह से यदि आप सेलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स करें तो सभी कॉलम्स एक साइज के हो जाएंगे। इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट रोज और कॉलम्स का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप जो अवेलेबल है वो है अलाइनमेंट के रूप में। आप टेबल में लिखे हुए डेटा का अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। इसके लिए आप सिलेक्ट कर ले टेबल को और यहाँ से लेफ्ट, सेंटर या राइट अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। इसी तरह से मान लीजिए डेटा को मुझे वर्टिकल अलाइनमेंट सेट करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ, टॉप, सेंटर, मिडल और यहाँ से बॉटम के लिए भी सेट कर सकता हूँ मैं। इसी तरह से मैं चाहूँ तो जैसे टॉप रो सिलेक्ट कर लेता हूँ, टेक्स्ट का डायरेक्शन भी सेट कर सकता हूँ। देखिए जिस तरह का चाहूँ मैं यहाँ से टेक्स्ट का डायरेक्शन सेट कर सकता हूँ। आप सेल्स का जो मार्जिन है सिलेक्ट कर रहे सेल्स को और मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल मार्जिन पे काम कर रहा है बाय डिफॉल्ट, आप वाइड कर सकते हैं मार्जिन जिससे मार्जिन बढ़ जाएगा, नैरो कर सकते हैं मार्जिन कम हो जाएगा, और नन बिल्कुल जीरो मार्जिन पे, और यहां से नॉर्मल भी कर सकते हैं जिससे मार्जिन आपका नॉर्मल ऑप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट ग्रुप जो अवेलेबल है वो है टेबल साइज के रूप में। यहाँ पे हम टेबल का जो हाइट और विड्थ है वो सेट कर सकते हैं। यदि मैं टेबल की हाइट बढ़ाना चाहता हूँ तो हाइट बढ़ा सकता हूँ, जो टेबल है उसकी विड्थ भी बढ़ा सकता हूँ। यदि मैं लोक एस्पेक्ट रेशियो को क्लिक कर देता हूँ तो हाइट बढ़ाने के साथ साथ विड्थ भी अपने आप बढ़ेगी, और विड्थ बढ़ाने पर हाइट भी अपने आप बढ़ेगी। इस तरह से अगर विड्थ कम करते हैं तो हाइट भी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को कम करेगी। इस तरह से इसने हाइट और विड्थ को एस्पेक्ट रेशियो में बांध दिया है, लॉक कर दिया है। इस प्रकार से हम लेआउट ऑप्शंस का प्रयोग कर सकते हैं।